गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में परशुराम मंदिर के सामने नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को रोड स्वीपर मशीन की सौगात भी दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दतिया का विकास पीटीओ के कारण हो रहा है। दतिया में जहां लोगों ने सोचा नहीं था, वहां नगर निगम और पार्षदों ने पार्क का निर्माण किया। यह अच्छी बात है, दतिया का विकास हो रहा है और भी कई विकास कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने शहरवासियों को रोड स्वीपर मशीन की सौगात भी दी, जिससे सफाई का कार्य और भी आसान हो जाएगा। लाटरी में ये सीट बेटियों की और बहनों की है, तो बेटियां और बहनों के कारण से ये विकास हो रहा है और दतिया का विकास ऐसे स्थान पर इस बार नगर पालिका के पार्षदों और अध्यक्षों ने किया है जैसे स्थान की मुझे नहीं लगता किसी ने उम्मीद की होगी कि यहाँ भी पार्क बन सके। हमारे जो पार्क थे उनकी तो इतनी खराब हालत थी, और जो खराब हालत थी वे पार्क बन गए। ऐसी वैसी जगह थी वो कैसी कैसी हो गई, वो कैसी कैसी जगह थी वो ऐसी वैसी। ये सब टेम टेम की बात है, सबका टेम आता है, जैसे आजकल आपका चल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।